वेलकम टू फ्रैक्चर है दूसरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा सोफा कम बेड की फिटिंग कैसे लगाई जाती है और उसका साइज कैसे कैसे लिया जाता है। प्रॉपर वीडियो आपने पूरी देखनी है और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने लाइक करनी है। काफ़ी आप लोगों के कमेंट आए थे कि इस वीडियो हमें दिखाओ, इसकी फिटिंग कैसे लगती है। ये सोफा कम बेड की कमानी वाली जिसे हम फिटिंग बोलते हैं, ये फिटिंग है हमारी और मैं इसको प्रॉपर आपको फिट करके भी दिखाऊंगा, इसका साइज वगैरह भी बताऊंगा, तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आइए पहले मैं आपको स्ट्रक्चर की इसकी बताता हूँ। जो स्ट्रक्चर के एग्जाम से हमारे तीन पार्ट होते हैं, पहले बाहर वाला पार्ट, फिर सेकंड वाला अंदर वाला, थर्ड वाला उसके अंदर वाला। पहले मैं आपको फर्स्ट वाला दिखाता हूँ। जैसे हम पहले वाला पार्ट बनाते हैं, फर्स्ट वाला उसका साइज क्या रहता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जोन सा ये बाहर का साइज रहेगा। वीडियो बड़े ध्यान से देखना, फिर आप लोग कमेंट करोगे, बड़े ध्यान से देखना वीडियो, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। बाहर का जोन सा हमारा साइज है, ये हमारा 6 फुट का रहता है, ठीक है। और ये वाला साइज है हमारा 33 इंची का है। और जोन सी हमारी ये वाली हाइट है, ये हमारी 24 इंची है। ये जमीन से यहाँ तक हाइट हमारी 24 इंची है, यानी कि 2 फुट। और ये वाली हमारी 27 इंची है। ये हमने 3 इंची बड़ा कर रखा है इसका। और बाकी मैं आपको पिलर की आप बताता हूँ, थोड़ा सा आगे इनको बोलेंगे, जूम करके दिखाएंगे आप लोगों को। ये जो थी हमारी पिलर की मैंने मोटाई ले रखी है, ये सागवन का पिलर है, CPT का। ये 1.25 इंची का है और ये मैंने 1.5 इंची का ले रखा है। और ये 1.25 इंची का इसलिए ले रखा है क्योंकि दो दो सूत मैंने यहाँ से छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका पिलर का, वो पीछे भी मैंने पिलर ऐसी दे रखा है। और जो सी ये पिलर की मैंने खराद करवा रखी है और ये मैंने कर रखी है 5.5 इंची पर। और बाकी मैंने ऊपर ये छोड़ रखा है 3 इंची का, ठीक है जी। इसके बाद क्या है जो सी ये मैंने जाली वगैरह दे रखी है, इसकी कटिंग कर रखी है हम लोगों ने 5.5 इंची में। ये 5.5 इंची में कटिंग कर रखी है। और आगे से जो सा पिलर से यहाँ से हमारा जो सा गैप है 2 इंची का है, बाकी वो डिजाइनिंग वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हो इसको। और जो सी मोल्डिंग में ये मैंने लगा रखी है, 1.5 इंची की मोल्डिंग है, 1.5 पौनी की मोल्डिंग है। ये हत्था इससे काफ़ी मजबूत बन जाता है। और दोस्तों इसकी जो सी वुड वगैरह आप कोई भी इसकी में लगाओगे, पहले मेरी एक बात सुनना, उसका साइज बिल्कुल सही आपने करना है, यानी कि गेज में से निकालना है। अगर 2.5 की है तो उसको 2.5 का साइज प्रॉपर रहना चाहिए। अगर आपने साइज नहीं निकाला, अंदर से साइज हो जाएगा, बाहर से और हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी, प्रॉपर आपकी फिटिंग नहीं बैठेगी, वो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फिटिंग भी कैसे लगती है। और जो सा ये वाला पोर्शन है, जैसे ये मैंने आपको दिखाया है ये वाला, इसके ऊपर क्या होता है हमारा तकिया आगे स्टैंड होता है, इसके ऊपर ये तकिया आगे स्टैंड होता है। ये मैंने 2x1 की लक्कड़ लगा रखी है। ये जमीन से कितनी हमने छोड़नी है, ये 11 इंची छोड़नी है, जमीन से 11 इंची छोड़नी, जिनसे मैंने पाए छोड़े हुए हैं। ये लक्कड़ ऊपर है मेरी, मैंने पाए जो सा छोड़ा हुआ है, ये 1.25 इंची का छोड़ा हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा होगा गैप, ये देखो नीचे गैप नज़र आ रहा है, ये 1.25 इंची का मैंने छोड़ा हुआ है। जो सी ये लक्कड़ मेरी 2x1 की लगी है, 2x1.25 की लक्कड़ है ये। और ये मैंने आगे से कितनी हटाके लगाई है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने आगे से हटाके लगाई है 4.5 इंची पर, आगे से हटाके लगाई है। ये 1.25x1.25 इंची की लक्कड़ है, ठीक है। बाकी ये भी मैंने बता दिया है, ये मैंने आपको क्रॉस भी बता दिया। क्रॉस भी देखो ये खूबसूरत तभी लगेंगे जिन सा क्रॉस का साइज है 2.5x7 सूत की है। बाकी मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसका दूसरा पार्ट हम कैसे करेंगे, फिटिंग कैसे करेंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि ये मैंने जैसे 19mm का बोल्ड लिया है, तो आप इसको 1.5 इंची करने के लिए, क्योंकि मैंने ये जगह खाली छोड़ी है, आप इसको पूरा भी ले सकते हो। और इसके साथ फिर आपने क्या करना है, अगर 1.5 इंची का आप लेते हो पूरा, तो इसमें क्या करना है, 1x1 का आपने बटन यहाँ लगा लेना है। ये मैंने बटन लगा रखा है क्योंकि इससे क्या होता है बक्सा हमारा जो सा ये वाला बक्सा आएगा इधर बाजू में लगेगा नहीं, तो ये वाला भी हमने पोर्शन लगाना है। ये वाला जो सा हम अंदर का बक्सा बनाएंगे, इससे 2 सूत हमने लूज लगाना है, लूज बनाना है। तो ये जो सा मेरा गज है ये 1 इंची का है, ये 1 इंची का है, ठीक है। और जितनी ये लगी हुई है यहाँ तक आपने लगाना है। तो हाँ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने लाइक करना है और ज़्यादा प्यार देना है, और जितने भी अपने कारपेंटर भाई हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो शेयर करनी है, क्योंकि रोज़ के नहीं मुझे कम से कम 400-500 फोन आते हैं
कि सोफा कम बेड की फिटिंग बताइए कैसे लगती है, क्योंकि आज तक किसी ने ना तो डाल रखी इसके ऊपर वीडियो, लोग मुझे मना भी करते हैं भी इस पर वीडियो मत बनाना, क्योंकि ये मैंने खुद बनाया तो मैं आपको इसकी वीडियो भी बना के प्रॉपर अच्छे तरीके से दूंगा। तो मैं इसका दूसरा पार्ट दिखा रहा हूँ आपको, बक्से का जो सा बक्सा हमारा, वो तो फर्स्ट का बाहर का ढांचा है, ये हमारा अंदर का जो सा बक्सा है। इसकी मैं आपको प्रॉपर हाइट बताता हूँ, इसकी हाइट कितनी रहती है जमीन से। ये हमारा है 12 इंची का, ठीक है, 1.25 इंची के हमारे व्हील भी हैं इसके अंदर। ये हमारा 11.5 इंची का हम बक्सा बनाते हैं, जिसके अंदर 1.25 इंची के दो टायर वाले हमारे व्हील लगे हुए हैं। और आगे से फिर क्या हम करते हैं, इतना फिर हमने क्या कर रखा है, ये देखो मैं आपको इधर से बताता हूँ कि हमने क्या कर रखा है, दो सूत की प्लाई ले रखी है, ठीक है, उसके ऊपर 3.5 की लकड़ ये लगा रखी है, तो इधर की तरफ भी हमने 3.5 की लकड़ लगा रखी है, तो इधर की तरफ भी हमने अपनी क्या नाम है 3.5 की लकड़ लगा रखी है ये वाली, ठीक है। जोनसा हमने ये जोनसी लकड़ लेनी है, ये जोनसा हमारा बोर्ड है ये वाला, मैं इसकी भी आपको बक्से की बता देता हूँ। ये हमारा 29 इंची का यहाँ से लेके यहाँ तक 29.5 है, आप इसकी शेप भी देख लीजिए, ये ऐसे करके बनेगा। और जोनसा पीछे से हमने छोड़ रखा है, ये पीछे से हमने छोड़ रखा है, ये मानो आप ये हमने 4 इंची छोड़ा हुआ है पीछे से, ठीक है, ये हमने 4 इंची छोड़ा हुआ है। ये वाली लकड़ हमारी पीछे तक चली जाती है, जितना हमारा बक्सा ना ये 2.1 की लकड़ है, ये पीछे तक जाती है हमारी, इसके ऊपर हमारा बक्सा चलता है। और ये नीचे हमने इसमें व्हील लगा रखे हैं, और इधर से हम टीक प्लाई में इतना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा पोर्शन इतना निकलता है तो नज़र नहीं आता, ये हमारी कमानी अंदर ही रह जाती है। ये हमने इधर लगा रखे कि बक्सा आपस में टकराए ना, ठीक है, इधर आप चाहे तो प्लास्टिक की गिट्टी भी लगा सकते हो दोनों तरफ, कि बक्सा आपस में टकराए ना उधर जाके। दोस्तों इधर भी हमने क्या कर रखा है, 2.1 की लकड़ लगा रखी, जिसके ऊपर हमारा ये अपना ये वाली दूसरा तीसरा बक्सा चलता है, दूसरा बक्सा हमारा ऊपर सॉरी इसके ऊपर चलता है। इसके ऊपर क्या कर रखा है, हमने टक दे रखे हैं, जब हम बक्से को इसके अंदर घुसाते हैं बक्सा ये डाउन आ जाता है, यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो हमारा बक्सा जब हम खींचते हैं बाहर नहीं निकलता है। कल को इधर की तरफ ये देखिए, इधर भी हमने बटन लगा रखा है, ये बटन लगा रखा है, इसके ऊपर हमारा स्लाइड बक्सा होता है, क्योंकि जब हम इसके अंदर डालते हैं बक्सा इधर से उधर की तरफ हमारा इधर से डल के नीचे आ जाता है। तो ये साइज उससे जितना हमारा अंदर का हमने 2 सूत इससे लूज वो 65 है, ये हमने 65.5 का बना रखा है। अब मैं इसका आपको बैक का तकिया बताता हूँ। दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने साइज आपको सामने से आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ये हमारा 2.25 इंची है, ठीक है, ये लकड़ हमने बाहर निकाली हुई है, ये इसके ऊपर हमारा वो चलेंगे व्हील चलेंगे, ये हमने व्हील लगा रखे हैं, ठीक है। और इधर से भी आपको दिखा देता हूँ एक बार साइड से, इधर से ये देखिए ये ऐसे। और ये हमारा 19mm का बोर्ड है, यानी कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक साइज लेना आपने, ये देखो ये हमारा 10 है, ये हमारा अपना 10.5 इंची है, ठीक है ना, इसके नीचे हमने टुकड़ा लगा रखा है जिसके ऊपर व्हील हमारे टिके हुए हैं, ये ऐसे दो व्हील आपने, दो व्हील इधर हैं, दो व्हील इधर है। और पीछे की बैक साइड में आपने क्या करना है, ये 3.5 की लकड़ लगा देनी है, जिससे क्या हमारा ये नीचे नहीं आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बैक जो सा तकिया होता है, अब मैं आपको उसका साइज बताता हूँ, वो हम तकिया इससे कैसे बनाएंगे, ठीक है। दोस्तों ये हमने इसका तकिया बना रखा है, ये जितना साइज इसका है ना, इससे लंबाई से तकिया अपना 2 सूत बड़ा होता है, 2 सूत बड़ा इसलिए होता है कि कमानी इसके अंदर टच ना हो, चलते समय एकदम फ्री कमानी रहनी चाहिए। इसका मैं आपको ऐसे इसका साइज बता देता हूँ कितना है, ये ऐसे दोस्तों ये 15 का है, ठीक है, ये आपने ना तो इससे साइज कम करना ना ज़्यादा, अगर ज़्यादा आप करोगे बैक साइड में क्या होगा, ये खुलेगा नहीं। और ये मैंने देखो ये ऐसे हमने बना रखे इधर से, इसके ऊपर क्या कर रखा है, मैंने 4mm की 1.5 सूत की प्लाई अपने फिट की हुई है, उसके बाद ये कमानी के अंदर खांचा दे रखा है, ये भी आपको मैं फिट करके दिखाऊंगा। और मैं इसका टेपर भी आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे है, मैंने इसका फर्मा बनाया हुआ है, क्योंकि ऐसे आपको साइज का पता नहीं लगेगा जब आपने तकिया बनाना हो। ये देखो तकिया इस तरीके से बनाया हुआ है, ये हमने पीछे 2.5 की लकड़ लगाई है मजबूती के लिए, ये इधर भी, और नीचे 6mm की प्लाई है। आप चाहो तो इसके ऊपर 12mm की प्लाई भी लगा सकते हो, 12mm की प्लाई से क्या होता है, हैवी हो जाता है। ये देखिए दिखाओ इधर, ये दोस्तों मैं इसको आपका साइज बता देता हूँ, आप बेशक क्योंकि ऐसे तो इस पर साइज नहीं नजर आएगा, ये देखिए ये जोन सी इसकी लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी 14 इंची 7 सूत है, और पीछे से जोन सी लंबाई है 13 इंची 3 सूत है। यहाँ से आपने अगर राइट एंगल आपने रखा तो 1 इंची की हमारी टेपर आ रही है, ये मैंने बैक साइड से राइट एंगल से खींचा तो 1 इंची की टेपर आ रही है। आप ये मत सोचना 14 इंची 7 सूत का यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ऊपर से जोन सा हमारा ये 1 इंची 1 सूत है,
पीछे से 13 इंची है, और जोन सी इसकी इसकी चौड़ाई है तकिए की ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 इंची है, बाकी अपने आप नीचे तक बढ़ जाएगी। क्योंकि ये इसकी आप बेशक आप फोटो भी खींच लेना साइज की अगर आपको दिक्कत हो, ये इसका साइज है। मैंने एक एक चीज़ आप भाइयों को बता दी है कि वो आपको दिक्कत नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये नाड़ी से नाड़ी को भी बताओगे वो भी तकिया बना लेगा। ये हमारा ये हो गया, तो इसका मैं हम क्या करेंगे, इसकी हम पहले मैं फिटिंग कमानी फिट करता हूँ, फिर आपको दूसरे वाले का बताऊंगा जिनसे इसके बक्सा अंदर जाता है। दोस्तों अब मैं तुम्हें बताऊंगा कमानी कैसे फिट होती है, जिनसे ये वाला फर्स्ट वाला बक्सा जिनसे हमारे ये बाहर रहता है वो वाला बक्सा अंदर जाता है, ये बाहर वाले बक्से में हमारी फिटिंग फिट होती है। हमने क्या लेना, यहाँ से हमने साइज लेना फ्रंट की तरफ से, हमने ये लेना है पौने बाईस लेना है, पौने बाईस के इधर से करना है, हमने राइट एंगल में निशान उतार लेना है। तो जितना नीचे कितना करना है, जितना हमारा बोर्ड है, ये हमारा 19 mm का बोर्ड है, उतना हमने नीचे रख के हमने फिटिंग लगानी है। और फिटिंग लगाने का तरीका क्या है, ये देखो ये कमानी है, जैसे ये है तो ये वाला स्प्रिंग वाला पासा हमारा नीचे रहेगा, और ये वाला इसीलिए हमने गैप छोड़ा होता है 1.5 इंची के करीब, क्योंकि हमारा स्प्रिंग अंदर आ जाए, नहीं तो अगर स्प्रिंग बाहर लगाएंगे तो हमारी कमानी चलेगी नहीं, तो हम इसको अब लगाएंगे। तो दोस्तों इस जो सी ये वाली पत्ती होती है हमने गलानी नहीं पड़ती, और ये वाली पत्ती हमें उसके अंदर गलानी पड़ती है। हम क्या करेंगे, यहाँ 4 स्क्रू मारेंगे, और इसके अंदर हमने ठोकनी नहीं, हमने इसके अंदर कसने हैं, क्योंकि अगर ठोकोगे 2 दिन में आपके पास शिकायत आ जाएगी, कमानी आपकी निकल जाएगी। ये हो गया, फिटिंग बड़े ध्यान से देखना, और वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, लाइक में कमी मत रखा करो मेरे दोस्तों। ये हो गया, अब ये स्प्रिंग अगर हम ये पहले लगा लेते, अगर स्प्रिंग की पत्ती हम पहले लगा लेते तो हमारा ये टाइट नहीं होना था, क्योंकि अब इसमें ऐसे ही जितना मर्जी आप इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसको यहाँ लगाएंगे। दोस्तों ये स्प्रिंग वाला जिससे हमारा ये पोर्शन को नीचे करना है, कहीं आप कहीं उल्टी ऐसे करके नहीं लगाना है, इसको पत्ती को नीचे करके लगाना। ठीक है, तो हम ये इसके अंदर स्क्रू कर देंगे, क्योंकि इधर ड्रिल चलेगी नहीं, जगह कम है थोड़ी सी, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर पहले मैंने होल कर दिए इसके अंदर। दोस्तों ये आपने पेट ठोकने नहीं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो शिकायत आ जाएगी, बदनामी का काम हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देना। ये देखिए ये हमारी फिटिंग लग चुकी है इधर, दोस्तों ये देखो ये फिटिंग हमारी लग गई है। दोस्तों अब ये हम तकिए में पत्ती फिट करेंगे। हमने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने हमारा जो सा साइज है इसका, ये देखिए ये हमारा जो सा साइज है इसमें 5.5 इंची है, और ये भी हमने जितना ये हमने पत्ती डाउन किया है उतनी हमने, जितना हमारा बोर्ड है 19 mm का उतना ही हमने डाउन करके इसके अंदर गला देना है खांचा। ठीक है, तो हम अब तकिए की पत्ती फिट करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर भी स्क्रू हमने कस के लगाने हैं, ना कि ठोक के। इसके ऊपर जोन सा इसके ऊपर कपड़ा चढ़ेगा, वो पत्ती के उससे ढक जाएगा। ये हमारा ये कपड़े के बाद नहीं फिट होगा तकिया, तकिए से पहले, कपड़े से पहले ही हमारा फिट होगा। इसके ऊपर जोन सा गद्दा आता है 3 इंची और 4 इंची के इसके अंदर गद्दे लगते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना है। ये ऐसे ही जैसे ये फिटिंग में इधर मैंने बताई है, पल्ली तरफ भी ऐसी फिटिंग हो, ऐसे ही फिट होगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, क्योंकि मैं आपको एक ही तरफ का प्रोसीजर बता रहा हूँ। दोस्तों कमानी की ये हमने जो थी तकिए की कमानी हमने लगा ली है दोनों तरफ की, अब क्या करेंगे, कमानी का हमने बैक साइड का लॉक लगाना है जिससे हमारा बक्सा बाहर नहीं आता। तो इसका भी मैं सहज आपको प्रॉपर बताऊंगा कितने पर ये लगती है, इसको गाइड बोलते हैं, ये कितने पर लगेगी, बड़े ध्यान से वीडियो देखना आप लोगों भाइयों ने। दोस्तों जो सी हम ये गाइड लगाएंगे जिसमें हम लॉक करेंगे हमारा बक्सा, ठीक है, इसके अंदर हम पत्ती डालेंगे, यहाँ से कील डालेंगे, और जो सा बैक साइड में हमने ना इतना गुटका लगा लेना लकड़ का, क्योंकि स्पॉट मिल जाएगी, ये हमने लगाना 3.5 इंची पर लगा लेना। तो इसके साथ क्या होगा, ये हमारी गाइड ऐसे ऐसे लग जाएगी, मैं आपको इसका प्रॉपर तरीका भी बताऊँगा कितनी हाइट पर लगेगी और यहाँ से हमने कितना छोड़ना है। पहले मैं इसको कस लेता हूँ,
और ये हमने ये वाली जो सी पत्ती है जो सी एल की जैसी मुड़ी हुई है ये हमने इसके साथ लगानी है और ये हमने यहाँ कस देनी है इसको बड़े आराम से इसको कसना है। ये देखिए ये कस देना है। हो सकता है आपके आपके आपसे एक दो बार में फिटिंग ना हो, थोड़े बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है क्योंकि एक तो तकिए में हमारे में बट नहीं होना चाहिए, अगर बट है तो फिर आपका तकिया सही ढंग से बैठेगा नहीं। तो नीचे भी हम स्क्रू ऐसे ही कस देंगे इसमें। ये हमने ये कर दिया, ये हमने दूसरी तरफ भी ऐसे कर दिया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, बक्सा डालेंगे क्योंकि जो सी दूसरी वाली होती है जिसमें ये गाय नहीं लगती उसके अंदर क्या होता है बक्सा हमें यहाँ से काटना पड़ता है इतना, यानी कि 7x10 का पीस काटना पड़ता है, तो हमें पीछे से स्क्रू उसमें लगाने पड़ते हैं उस वाली फिटिंग में। वो आपको आम मिल जाएगी, ये वाली फिटिंग नहीं आपको मिलेगी, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये मेरे पास मिलेगी, अगर किसी भाई को चाहिए होगी तो मुझे बता देना, आपको सामने ऊपर स्क्रीन पर नंबर नजर आ रहे होंगे तो कॉन्टैक्ट कर लेना मुझसे। और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, किसी और कारपेंटर भाई को भी फंसाओ तो उसके काम भी ये वीडियो आए। दोस्तों जो ये वाली हमारी लकड़ का रोल पता है क्या है, ये इतनी पीछे क्यों लगी है, ये जो हमारे व्हील लगे हुए हैं यहाँ आके इसके साथ स्टे हो जाएंगे, ये बक्सा हमारा आगे नहीं जाएगा, दूसरे वाले बक्से को खींचेंगे वो अपने आप वहाँ जाके लॉक हो जाएगा। ये लकड़ का मैंने बता दिया था आपको साइज, बड़े ध्यान से देखनी थी ये वीडियो, ठीक है, नहीं देखी तो फिर रिवर्स करके देख लेना। और हाँ दोस्तों जो सी ये वाली लकड़ है इसमें देखो मैंने टेपर दे रखी है, यहाँ से मैंने आधी इंची छोड़ रखी है, ऊपर से भी आधी इंची घसोड़ के मैंने टेपर दे रखी है। ये टेपर इसलिए दे रखी है जब हम बक्सा इसके अंदर आ जाएगा ना, ये लॉक है, जब हम बक्से को उठाएंगे यहाँ से तो ऐसे उठाएंगे तो ऐसे बाहर निकलेगा, नहीं तो इसमें लॉक लग जाएगा, तो लॉक लग जाएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इसका कैसे। अगर मैं कोई चीज़ भूल जाता हूँ तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। दोस्तों अब हम बक्से को अंदर डालेंगे और कमानी का लॉक लगाएंगे, हो सकता है लॉक आपको ना भी नजर आए, बड़ा आसान है तरीका है। उसमें क्या करना है, हमने पत्ती फंसानी है और कील डाल देनी है क्योंकि उधर की तरफ अंधेरा है, मैं आपको तरीका फिर भी एक बार बता देता हूँ। ऐसे करेंगे बक्से को उठा के हम अंदर लेके जाएंगे, ये बक्से को अंदर लेके और इधर से हाथ डाल सकते, इधर से हाथ डाल बोल इधर से हाथ, ये देखो दोस्तों इधर से हम हाथ डालेंगे, इसको पकड़ देना क्या उसकी लाइट जलाता हूँ मोबाइल को पकड़, दोस्तों ये देखो कमानी नजर आ रही होगी आपको, इधर का हमारा लॉक लग गया। अब हम परली तरफ का भी लॉक लगाएंगे ऐसे, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा खींच के दिखाता हूँ, अप्लाई करके दिखाते हैं, फिर हम इसका दूसरे बक्से का भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए अभी तो जब से इसमें लॉक आ जाएगा, ये वाला बक्सा आ जाएगा तो ये पीछे नहीं जाएगा, ये देखिए ये बिल्कुल साथ में ऐसे बराबर आ जाएगा। जब ये देखो अपने स्प्रिंग का मतलब ये है, ये अपने इसके ऊपर जो सा गद्दा आएगा, इसके ऊपर हमारा 3 इंची का गद्दा आएगा, मैट्रेस आएगा तो उसके ऊपर 3 इंची का गद्दा आएगा, जो सा ये वाले बक्से के अंदर फोल्डिंग वाला गद्दा आएगा इसके ऊपर 4 इंची का आएगा गद्दा। ये देखिए ये मिल गया साथ में जाके। दोस्तों जब हम लॉक के अंदर पत्ती डाल देते हैं तो उसके अंदर कील डालते हैं, वो सुराख मैंने आपको पहले दिखाए थे, तो उस कील इसलिए डालते हैं क्योंकि पत्ती हमारी खोल ना जाए, तो अब हम कील डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा आसान है ये फिटिंग लगानी, कोई दिक्कत, अगर आपने वीडियो पूरी अच्छी तरीके से देख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बार बार आप लोग कमेंट में भी बोलते थे, मुझे फ़ोन भी करते थे कि इसकी फिटिंग कैसे लगेगी, ये मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया है। बाकी अब नेक्स्ट इसका बक्से का बताएंगे जी, एक बार खोल के दिखाते हैं आपको, एक बार खींचो बेटे आगे खींचो इसको, ये देखिए दोस्तों ये इसमें स्प्रिंग में इतना ही अपने आप ज्यादा चले जाता पीछे, ये देखिए। अब हम इसका ये वाला बक्सा आपको डाल के दिखाएंगे, ये वाला बक्सा हमारा कैसे बनेगा। दोस्तों अब जोन सा ये वाला हमारा बक्सा बनेगा, ये हमारा 5 फुट 3 सूत है, तो हमने क्या करना है इसको 5 फुट का बनाना, 3 सूत हम इसको कम बनाएंगे, ठीक है। और ऐसे भी हमने आधी इंची इसको डाउन इसको लूज करना है बक्से को, वो भी मैं आपको साइज बताऊंगा। ये जो सा मेरा साइज है इसके अंदर प्रॉपर है, ये 8.25 इंची है, वो हमारा 8.25 इंची का था जो सा ये हमने बक्सा बनाया, ये हमारा 7 इंची का, ऊपर 12 mm की हमने 15 mm की प्लाई लगाई है, ये हमारा अपना कितना तैयार हो गया 7 इंची 5 सूत, और पीछे हमने जो सी रोक लगाई है ये हमने 5 सूत के करीब यहाँ से बाहर निकाली है।
ठीक है, और जो सी इसकी भार भार से लंबाई है बक्से की वो भी मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से बता देता हूँ। इसको पकड़ सकते हैं जरा ऐसे, और नीचे भी हमने ये लोहे का पीछे बैरिंग लगाया हुआ है, जैसे ये बैरिंग आपको नज़र आ रहा होगा, और जो सी इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बक्से की लंबाई है, ये है हमारी 25 इंची का है। और 25 के अंदर क्या किया हमने, ये वाला जो हमने बोर्ड तैयार किया है, ये वाला आपको जैसे नज़र आ रहा होगा, ये वाला बोर्ड है हमारा 28 इंची का। 28 इंची के बाद हमने क्या किया है, ये इसको टक दे दिया, यहाँ पर बोर्ड को हमने इसको टक दे रखा, ये देखिए, ये देखिए हमने बोर्ड को टक दे दिया है 4.5 इंची का टक देके, और 5 फुट के करीब हमने ये कॉलर इसका लकड़ का एक्स्ट्रा लकड़ लगा के हमने बाहर निकाल दिया है। और जो सा पीछे वाला जो सा हमने ये रखा है, ये 2.25 इंची का रखा है, नीचे 6 mm की प्लाई है, और ये बैरिंग है जो सा छोटा वाला बैरिंग है जो सा उसके ऊपर चलेगा। और मैं आपको लॉक की बात बता रहा था, बक्सा लॉक कैसे होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैंने लक्कड़ के अंदर टक दिखाया था, इसको इधर कर, इससे क्या होता है, ये हमारी टेपर है, ये मैंने ले रखा है कम से कम 7 फुट के करीब आगे से मोटा, पीछे से 0 है, जो बक्सा जब अंदर जाता है तो अंदर जाके फंस जाता है, लॉक हो जाता है। ये मैं अब आपको दिखाऊंगा कैसे हम लॉक करते हैं। जैसे कॉलर उधर मैंने 5 फुट बढ़ा रखी है, इधर भी बढ़ा रखी है, क्योंकि इधर की तरफ बिल्कुल प्लेन है, उधर की तरफ टक दे रखा है, जैसे ये अंदर जाएगा, ये देखो ये मैंने बक्सा यहाँ अंदर किया है, अब देखो वहाँ से अंदर जाएगा बक्सा, ये देखो करो अंदर करो बेटे, ये देखिए दोस्तों, अब इसको बाहर निकालेंगे हम लोग, बक्से को बाहर निकालो, उठा के उठा के उठा के, अब देखो दोस्तों इसके अंदर क्या, सोफा कम बेड में क्या है, जोन सा मैं दीवान कम बनाता हूँ वीडियो, क्योंकि वो खुद ही बक्से इतने भारी होते हैं, उसको लॉक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अपने, और इसके अंदर क्या लॉक लग गया, जैसे मैंने दिखाया था, इसको कभी भी उठाएंगे ऐसे कभी नहीं निकलेगा, हल्का सा हमने इसको पुश करना ऊपर की तरफ, ये देखो ये किया, ये निकल आया बाहर, ये देखिए ये बाहर आ गया पूरा बक्सा। जब अंदर करना है इसको, इसको कर अंदर कर दोनों तरफ, ये देखिए, और जितना हमारा ये साइज है हमने ये इधर से लूज कर लेना 2-3 फुट के करीब, एक बार मैं बोलता हूँ आपको नज़दीक से दिखाते हैं हमने कितना लूज कर रखा है, ये देखिए दोस्तों जो सा हमने इसका फ्रंट का मत्था लगा रखा है, उसके ऊपर क्या कर रखा है हमने, ये आप 1/2 इंची की देख रहे हो, ये हमने मोल्डिंग लगा रखी है, बॉर्डर हमने छोड़ रखा है 2-2 इंची का बॉर्डर छोड़ रखा है, और ये नीचे 1.5 इंची की लगा रखी है, ठीक है, और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, और जो सा इसके हमने ये सेंटर में हमने सरमैके की पट्टी लगा रखी है, ये आमतौर पर आपने देखा भी होगा जैसे दीवान कम बेड में मैं लगाता हूँ इसको, दोस्तों अगर लेना होगा तो इसको कहते हैं बॉल कैस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है, और इसके ऊपर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसका बक्सा, ये देखिए दोस्तों जैसे कि आपने इसकी वीडियो देखी है, क्योंकि मैंने इसको बनते हुए की नहीं बताई आपको वीडियो, क्योंकि मैंने इसके फिटिंग का ही बताया भी, कमानी की फिटिंग कैसे लगाई जाती है, अगर बनते हुए की वीडियो बनाए ना दोस्तों काफ़ी लंबी बन जाती है, 2-3 दिन का प्रोसेसर होता है, क्योंकि काफ़ी एडिटिंग करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, अगर आप चाहते हो कि बनती हुई की भी वीडियो देखना चाहते हो तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़्यादा बताना मुझे कमेंट करके कि आप देखना चाहते हो। दोस्तों जी आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का जरूर बटन दबा लेना, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों एक आपसे शिकायत है, क्योंकि अगर 100 आदमी देखते हैं तो 80 ने क्या करा है, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। दोस्तों जितने भी कारपेंटर भाई है, मैं बड़ी आपको गुजारिश करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ये आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो मैं इसकी कंप्लीट की भी वीडियो डालूंगा।